जिसने फील्ड में लेकर जानी है टीम, जिसने उनके साथ फर्दर प्लानिंग करनी है, रस्से के अंदर दूसरी टीम के खिलाफ लड़ाना है, ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल। हर मैच के बाद उसने सबको जवाब देना है, प्रेस में भी और आम लोगों तक पहुँचानी है अपनी बात। तो अगर उसकी इनपुट ना हो तो कोई सेंस नहीं बनती ऐसी बात, ऐसी सिलेक्शन की। तो ये तो बड़ी मायूब बात है, पहली दफ़ा सुनी है कि कप्तान को पता ही नहीं। और कप्तान कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने बस बना दिया किसी को कप्तान। कप्तान दुनिया का नंबर वन प्लेयर है एक फॉर्मेट का, बाकियों में भी टॉप फाइव में है। तो कोई आम वो नहीं है बंदा कि जिसको समझ ना हो, और अगर वो कोई गलत फैसला करेगा तो सबके सामने आ जाएगा। तो आई थिंक के उसकी मशावरत हर हाल में होनी चाहिए। ही इज़ द मोस्ट यू नो कंसर्न पर्सन, उसका सबसे ज़्यादा रोल उसका है टीम के अंदर, तो उसका जो है स्टेक्स भी हैं। तो आई थिंक उससे पूछे बगैर ये नहीं होगा। देखिए मुश्किल तो नहीं है, जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया के थ्रू या आप लोगों के थ्रू वो यही थी ना कि जी होटल में शादियां हो रही हैं, वही लॉबी में बारात आती है, उसी लॉबी में प्लेयर आते हैं, वही लिफ्ट यूज़ होती है। तो ये तो बबल नहीं है, बबल के लिए तो पूरा होटल आपका होना चाहिए, बुक होना चाहिए, उसमें कोई बाहर की एंट्री ना हो। आपके बस ड्राइवर्स, आपकी रूम सर्विस, आपकी हाउस कीपिंग, वो जितने दिन टूर्नामेंट है वो होटल के अंदर रहें, फिर ये बबल कहलाएगा। और उसमें बाहर से खाने वाले लोग आएंगे तो यू डोंट नो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ हाथ लगाता आ रहा है, किस जगह से इफेक्टेड है नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर चीज़ इन हाउस होगी, वो सारी इन हाउस थी आईपीएल में, फिर भी एक ही टीम के 14 लोग स्टार्टिंग में पॉजिटिव आए थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो टोटल भी 14 नहीं निकले, लेकिन हमने खैर बंद कर दी। मैं तो इस बात का हामी था कि उन लोगों को क्वारंटीन करके इसको कंटिन्यू किया जाता, और लेकिन जब बाद में पता चला कि बबल जिस तरह का था, तो मेरा ख्याल है कि पूरा होटल सिक्योर करना चाहिए, अपने बस ड्राइवर्स, अपने हाउस कीपिंग, वो सारे मामला अंदर होंगे। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, सारी दुनिया कर रही है। NFL बहुत बड़ी लीग है, दुनिया में सबसे महंगी लीग अमेरिकन फुटबॉल है, उसमें कोविड पॉजिटिव आए, IPL में आए, लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 का चैंपियन है वो पॉजिटिव आया, ऑस्ट्रेलिया में इसी में ऐड करने लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स है, आमिर को ले लिया, शर्जील को ले लिया, लेकिन आप लोगों को जिस तरह परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं लिया गया, तो कितना हर्टिंग है और क्या समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या है ये सारा कुछ? आप क्या समझते हैं नहीं है डबल स्टैंडर्ड है ना? तो ये ऐसे ही है, वन थिंग फॉर वन पर्सन, वन थिंग फॉर अनदर पर्सन, समबडी नीड्स टू आंसर दैट। कुछ दीगर जो हमारी जो फॉर्म्स हैं उनमें कोचिंग के लिए आएंगे? देखिए इसमें जितने एवेन्यूज़ हैं आप सारा कुछ कर सकते हैं एज अ प्लेयर, अगर आपके पास कम्युनिकेट करने की स्किल है, अगर आप बात समझा सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी बात पे क्लैरिटी भी तो हो ना। मैंने 4 साल डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आप सबको पता है, आप लोग ग्राउंड्स में भी आते रहे, आपने कवरेज भी की उसकी, लिखा भी बहुत आप लोगों ने, लेकिन फिर 4 साल बाद जब मुझे ये कहा गया कि आपको नाम के ऊपर मतलब डिस्कशन नहीं हो रही कि जी आपको आगे खिलाना है, तो फिर मैं बार बार क्या साबित करना मैंने डोमेस्टिक में? या तो मुझे कहा जाए कि आप परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे, लेकिन 4 साल तो ऐसा नहीं हुआ।